is clearly over the line and it's a no ball. Cricket history की सबसे महंगी no ball. उसने हमारी लुटिया डुबो दी. It shouldn't have happened. That cost us quite a lot. जिसके बाद पाकिस्तान के पत्रकार कोहली को mock करने लगे. A wicket on the no ball. Did you feel any pleasant moment? How can no ball be pleasant for me? क्योंकि 3 रन पर आउट होने के बावजूद इस no ball से फकर जमान को ऐसा जीवन दान मिला कि उन्होंने मैच की काया पलट दी. 50 for Fakhar Zaman as well. That's going to be 100. His first one-day international 100. और फकार की 114 रन की पारी बन गई भारत की हार की वजह और पाकिस्तान जहर उगलने लगा. हमारा बाप है आमिर, ये चैंपियन ट्रॉफी तुम्हारे अलग से लेके गया. Who's the daddy? Pakistan. Who's the daddy? Pakistan. Pakistan got the trophy and Indians got zero. हम आपके कौन बाप? हम आपके कौन बाप? मौका मौका. जहां पाकिस्तान के लोगों ने अपनी टीम को सर आंखों पर बैठा दिया, बहुत बड़ी विक्ट्री है पूरी पाकिस्तानी आवाम के लिए, पाकिस्तान टीम के लिए, तो दूसरी तरफ इंडिया में हार के बाद सपोर्ट करने की बजाय लोग जसप्रीत बुमराह को नीचा दिखाने लगे और उन्हें इस हार का जिम्मेदार बना दिया गया. उन्हें किंग ऑफ नो बॉल्स बुलाया जाने लगा और जयपुर पुलिस ने उनका ऐसा पोस्टर लगाया कि वो इंटरनेट पर जमकर ट्रोल होने लगे. ऐसा क्या है जसप्रीत बुमराह के पास? जब बुमराह के करियर का ऐसा फेज आया कि उन्हें लोगों के प्यार और सपोर्ट की नीड थी, तब लोगों ने उन्हें अपनी नफरत का शिकार बना लिया. एक तरफ वो अपनी इंजरी से जूझने लगे तो दूसरी तरफ लोग उन्हें ट्रोल पर ट्रोल किए जाने लगे. उन्हें इनसिक्योर, एरोगेंट और सेल्फिश बुलाया जाने लगा. उनकी इंजरी का मजाक उड़ाया गया और ये तक कह दिया गया कि वो इंजरी का बहाना कर रहे हैं. जसप्रीत बुमराह के केस में एक गलती नहीं गुनाह हुआ है. जसप्रीत बुमराह का इतिहास चोटों से भरा हुआ है. अब बुमराह को बॉल वैसे जा रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लेना चाहिए. जिस प्लेयर ने इंडिया की हार को बार बार जीत में तब्दील करके दिखाया, तब भी लोग उनके देश के प्रति समर्पण पर सवाल उठाने लगे. क्या वो इंजामों को गलत साबित कर पाएंगे या वो इस नफरत और इंजरी के बहाने क्रिकेट की दुनिया से गायब हो जाएंगे? सर, वेरी अनफॉर्चुनेट, मैं शायद नहीं ठीक हो पाऊंगा. हिज बॉडी लैंग्वेज सेज इट ऑल. मैं हूं आयुष एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ जसप्रीत बुमराह. जसप्रीत सिंह बुमराह, इट्स बुमराह अगेन. बड़ा नुकसान दिया कि उसका बॉलिंग एक्शन भी चेक होना चाहिए. जसप्रीत बुमराह का इलीगल बॉलिंग एक्शन है, सस्पिशियस एक्शन है, डाउटफुल एक्शन है, उसको आईसीसी चेक करे. जसप्रीत बुमराह के अनऑर्थोडॉक्स एक्शन पर सवाल उठने लगे और शोएब अख्तर ने तो उनकी इंजरी की प्रेडिक्शन कर डाली. ऐसे आए तो याद रखिए, जब बैक उड़ती है ना और फ्रंटल आर्म एक्शन की जब बैक उड़ती है, वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो छोड़ता नहीं पीछा उसे. टोटल एक साल के अंदर ये टूट के फारग हो जाएगा. क्योंकि बुमराह अपनी बॉलिंग से बल्लेबाजों की बखिया उधेड़ रहे थे. कई सालों बाद इंडियन बॉलिंग की लाइनअप में कोई ऐसा बॉलर था इसकी गेंदबाजी से सामने खड़ा बल्लेबाज थर्रा जाए. आई कांट थिंक ऑफ एनीवन बेटर देन जसप्रीत बुमराह. चाहे ओपनिंग, मिडिल या डेथ ओवर में गेंद डालनी हो, जसप्रीत की पेस, एक्यूरेसी और स्किल से इंडियन बॉलिंग में मजबूत आ गई. Oh, he gets a wicket. What a ball from Jasprit Bumrah. और उनकी क्षमताएं सिर्फ भारत की पिचेस तक सीमित नहीं थी, वो विदेशी पिचेस पर भी घातक साबित होने लगे. चाहे 8 इनिंग्स में 21 विकेट लेके भारत को ऑस्ट्रेलिया की धरती में पहली बार सीरीज जिताना हो, किफायती बॉलिंग से एशिया कप घर लाना हो या डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बनके मुंबई इंडियंस को आईपीएल विजेता बनाने में मदद करना हो, उनकी व्हाइट और रेड बॉल में बॉलिंग की बादशाहत से इंडियन टीम क्रिकेट डोमिनेट करने लगी और वो कम एज में ही बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड कहलाए जाने लगे. और वेस्ट इंडीज टूर में बेहतरीन प्रदर्शन देके इंडिया को टेस्ट सीरीज जिताने में अहम भूमिका निभाई. पर वो जब टूर करके इंडिया लौटे तो उनके फिटनेस टेस्ट में बैक का इशू आ गया. स्कैन से रिवील हुआ कि उनके लोअर बैक में स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया है. महीनों गेम से दूर रहने के बाद बुमराह रिकवर होकर मैदान में तो आ गए, पर किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया कि उनकी इंजरी उनके करियर में तूफान ला देगी. ये आने वाले महीने क्रिकेट जगत के लिए बहुत बड़े थे. एशिया कप, टी20 वर्ल्ड कप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप
और ODI वर्ल्ड कप सब एक के बाद एक लगे हुए थे। कुछ टीम इतिहास रचने उतरेंगी तो कुछ अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ेंगी और रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में आक्रामक बल्लेबाज और प्रभावशाली गेंदबाजों से सजी भारत की ये टीम फेवरेट्स माने जाने लगी। बुमराह जो अपने बेस्ट फॉर्म में थे तो इंडिया की बॉलिंग को लीड कर रहे थे और इस इंग्लैंड के टूर में बुमराह ने इंग्लैंड टीम पर अपनी बॉलिंग का दबदबा बना के रखा था। पर मैच प्रैक्टिस के दौरान एक खबर आती है, बुमराह बैक स्पैज़म की वजह से तीसरा ODI नहीं खेलेंगे। सबको यही लगने लगा कि प्रिकॉशनिंग मेजर के लिए बुमराह को रेस्ट दिया गया है, पर किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये आने वाले तूफान से पहले की शांति है। एशिया कप की स्क्वाड अनाउंसमेंट हुई जिसमें बुमराह चोट के कारण अवेलेबल नहीं थे क्योंकि उनका NCA में रिहैब चल रहा था और T20 वर्ल्ड कप की इम्पोर्टेंस को मद्देनजर रखते हुए बुमराह की रिकवरी तेजी चलने लगी। सब यही चाहते थे बुमराह वर्ल्ड कप से पहले टीम में वापस हो क्योंकि एशिया कप में इंडिया को पाकिस्तान और श्रीलंका से ऐसी करारी शिकस्त मिली कि इंडिया एशिया कप से बाहर हो गई, जिसकी वजह से इंडिया की वर्ल्ड कप में पोजीशन चिंताजनक बन गई। टीम में बुमराह की न मौजूदगी का असर दिखने लग गया था और सबके पास एक ही सवाल था, क्या बुमराह T20 वर्ल्ड कप से पहले वापसी कर पाएंगे। No, let's see, बुमराह is not out of the World Cup yet. Don't rule him out yet. फिर BCCI T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड अनाउंसमेंट करती है और उसमें बुमराह का नाम था। T20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई सीरीज में बुमराह वापसी करते हैं, पर सीरीज खत्म होने के बाद जसप्रीत बुमराह को असहनीय बैक पेन होने लगता है, जिसके बाद उन्हें बिना देरी किए NCA लेकर जाया जाता है। फैंस हो, एनालिस्ट हो या उनके टीम मेंबर्स हो, सब अपडेट का वेट कर रहे होते हैं क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में मैच कुछ दिन ही बचे थे और फिर BCCI एक अनाउंसमेंट करती है, जसप्रीत बुमराह रूल्ड आउट ऑफ ICC मैच T20 वर्ल्ड कप 2022 ड्यू टू स्ट्रेस फ्रैक्चर। ये खबर क्रिकेट जगत में आग की तरह फैल गई। जसप्रीत बुमराह के केस में एक गलती नहीं गुनाह हुआ है, जसप्रीत बुमराह अब T20 वर्ल्ड कप भी नहीं खेलेंगे। जिसके बाद चेतन शर्मा ने इंटरव्यू में बताया कि वर्ल्ड कप के रश के चक्कर में बुमराह की इंजरी रिलैप्स हो गई। ऐसी स्थिति में इंजरी रिलैप्स मतलब उनका करियर ऐसे मोड़ पर था जिसमें कुछ भी हो सकता है। चूंकि लोअर बैक में स्ट्रेस फ्रैक्चर की बात हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे चलकर भी परेशानी का सबब बन सकती है। और वर्ल्ड कप के मौके पर ऐसी सीवियर इंजरी किसी भी प्लेयर का मनोबल तोड़ देती है। ऐसे में जब सबसे ज्यादा सपोर्ट की नीड थी तो लोग उन्हें जमकर ट्रोल करने लगते हैं। खुद से बहुत निराश और दुखी होकर जब बुमराह ने ये इमोशनल पोस्ट डाली तो लोग उनकी इंजरी का मजाक उड़ाने लगे। एक ने ये लिखा कि हम केयर नहीं करते क्योंकि आप जितने भी ICC टूर्नामेंट के पार्ट थे हम वो नहीं जीते। दूसरे ने ये बोला, आप इंडियन क्रिकेटर नहीं अंबानी क्रिकेटर हो। और सब IPL के नाम पर उनकी लॉयल्टी पर तंज कस रहे थे। इसके बाद बुमराह ने ये मिस्टीरियस पोस्ट डाला जो साफ साफ बयां कर रहा था कि पहले बुमराह सिर्फ खुद से डिसअपॉइंटेड थे, पर लोगों का ये मिजाज देख के वो परेशान हो गए थे। पर लोग इस पोस्ट को पढ़ के और भड़क गए और उनको एरोगेंट और अटेंशन सीकर बता देते हैं। पर चीजें यहीं तक नहीं थमी। बुमराह के करियर में उथल पुथल शुरू हो गई थी, शायद शोएब अख्तर की कही गई ये बात सच हो रही थी। अगर आप ऐसे आए ना तो याद रखिए, जब बैक उड़ती है ना और फ्रंटल आर्म एक्शन की जब बैक उड़ती है, वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो छोड़ता नहीं पीछा उसका। एक तरफ जहां NCA उन्हें फिट घोषित करता और उनके वापसी की बात शुरू होती तो वर्कलोड बढ़ने पर उन्हें डिस्कम्फर्ट भी फील होने लगता। उन्हें श्रीलंका सीरीज के लिए डिक्लेयर की गई टीम में शामिल किया गया पर उनको फिर से बैक पेन होने लगा। वो लगातार इंजर्ड होते हैं और ऑस्ट्रेलिया सीरीज में एक्सपेक्ट किया गया कि वो खेलेंगे, पर उनके रिटर्न की एक्सपेक्टेशन अब होप में बदल गई थी। जहां बुमराह को लेकर BCCI पेशेंस से ऊपर काम कर रही थी, वहीं लोग बुमराह के साथ इंपेशेंट हो गए थे। जब कभी उनके बारे में कोई अपडेट आता या फिर बुमराह सोशल मीडिया में कोई पोस्ट डालते, लोगों का गुस्सा उनके लिए बढ़ता चला जाता। IPL के लिए इनके पास में फिटनेस भी वक्त से पहले आ जाती है और परफॉर्मेंस तो आती ही। उनकी नेशनल टीम तो मुंबई इंडियंस है। वो सीधा
आईपीएल खेलेगा। डोंट वरी, आईपीएल तक फिट हो जाओगे। ये सब बोल के लोग उनके इंडिया के प्रति कमिटमेंट पर सवाल उठा रहे थे और आईपीएल खेलने को उनकी इंजरी का कारण बता के हर जगह नफरत फैला रहे थे। एशिया कप में हार और फिर T20 वर्ल्ड कप से इंडिया की घर वापसी में बुमराह की बॉलिंग की कमी साफ साफ झलक रही थी। ऐसे अटैकिंग बॉलर अगर आपकी टीम में नहीं रहते तो ऑब्वियसली टीम थोड़ी सी शॉर्ट रहती है, क्योंकि हमारी टीम के मेन अटैकिंग बॉलर है। बस डर इसी बात का था कि कहीं आने वाले वर्ल्ड कप में भी बुमराह मौजूद न हो। स्ट्रेस फ्रैक्चर की इंजरी ने कई करियर पटरी से उतार दिए। शेन बॉन्ड, आशीष नेहरा, वरुण एरन और मुनाफ पटेल जैसे कई प्लेयर्स के करियर इंजरी के बाद वैसे नहीं रहे जिस तेजी से वो चल रहे थे, और अब बुमराह के साथ भी वही होने लगा। फिटनेस टेस्ट क्लियर करने के बाद भी बार बार बैक इंजरी वापस आ जाती, जिसके बाद सर्जरी ही एकमात्र ऑप्शन बचा था। डॉक्टर्स ने उनको सजेस्ट किया इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी, पर सबके मन में अभी भी डर था कि अब छोटी सी भी छोटी गलती उनके करियर को खत्म कर सकती है। इसलिए न्यूजीलैंड में उनकी सर्जरी हुई और 6 वीक्स के मेडिकल सुपरविजन के बाद उनका रिहैब फिर से स्टार्ट हुआ। Poor guy has been working really hard at NCA for all this time. बार बार इंजरी वापस आने के इफेक्ट ऐसे थे कि इस बार फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अब बुमराह की मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान दिया जाने लगा। पर लोग बुमराह की इंजरी की सीवियरिटी जान के भी उनकी इंजरी का मजाक उड़ाने लगे। अब तो शर्म कर ले बुमराह लिख के वो बुमराह को जमकर ट्रोल किए जा रहे थे। कोई ये नहीं सोच रहा था कि उनके किए ये कमेंट्स बुमराह को किस हद तक अफेक्ट कर सकते हैं। उन्हें क्यों आखिर बार बार सिलेक्शन कमेटी या इंडियन टीम मैनेजमेंट इतना ज्यादा प्रिविलेज देती है कि आप अनफिट होंगे तो सीधा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे। जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से बाहर हो सकते हैं। हर जगह बुमराह के करियर की बातें हो रही थी। उनके इंजरी की इतिहास को देख के सबको उनके वर्ल्ड कप में वापसी की राह भी मुश्किल नजर आ रही थी, और वेस्टइंडीज के महान गेंदबाज माइकल होल्डिंग ने उनके एक्शन को उनकी इंजरी का कारण बता दिया। उनका बोलिंग एक्शन उनको एक बड़ी चोट की तरफ ले जा रहा। लसित वनिंगा, मिचेल जॉनसन, डेल स्टेन और शॉन टेट जैसे खिलाड़ियों को इंजरी की वजह से टेस्ट फॉर्मेट को अलविदा कहना पड़ गया था। ऐसी हिस्ट्री को देख के सर बुमराह पर भी डाउट कर रहे थे कि वो अब एक फॉर्मेट प्लेयर बन के ना रह जाएं, और अगर वापसी कर पाए तो सिर्फ T20 क्रिकेट ही खेल पाएंगे। इसलिए ना रहेंगे वो लंबे स्पेल और कंसिस्टेंट यॉर्कर्स, और ना बुमराह वापस से इंडियन बॉलिंग यूनिट को लीड कर पाएंगे। और लोगों ने ये तक कह दिया कि उनका करियर अब खत्म हो गया है, कि अब वक्त आ गया है कि उन्हें टीम इंडिया को अलविदा कर देना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लेना चाहिए। संन्यास। BCCI कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट की अनाउंसमेंट करती है, इसमें विद्यमान साहा भुवनेश्वर कुमार को ड्रॉप कर दिया गया था। पर एक नाम ने लोगों को भड़का दिया, जसप्रीत बुमराह, जो लंबे अरसे से क्रिकेट से दूर है। उनका नाम अभी भी A+ लिस्ट में बरकरार था, जिस पर लोग BCCI पर फेवरेटिज्म का आरोप लगाने लगते हैं। BCCI का मजाक बन चुका है, खिलाड़ी का मजाक बन चुका है, सिलेक्शन कमेटी का मजाक बन चुका है। IPL और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से बाहर होने के बाद बुमराह कुछ भी करते दिखते लोग उनका जमकर विरोध करने लगते। सेल्फिश प्लेयर, फ्रॉड, अंबानीज, न जाने लोग क्या क्या कह के उनके खिलाफ नफरत फैला रहे थे। पर बुमराह के लिए अब खोने को कुछ नहीं था, इसलिए वो सब कुछ इग्नोर कर पूरा फोकस अपनी रिकवरी में लगा देते हैं। जब लोग IPL की तैयारी में जुट गए तो बुमराह अलग अलग तरीके से अपने आप को रिकवर करने में लग गए, और 30 दिन चले ट्रेनिंग के बाद वो जब ग्राउंड में रनिंग करने लगे तो स्टार्ट हुआ क्रूशियल फेज। एक दिन में एक ओवर डालने के बाद धीमे धीमे वो 30 बॉल में बदल गया। 30 से 40, 40 से 60, ये जितना बोलने और सुनने में आसान है, करने में बुमराह के लिए उतना ही कठिन था। ऊपर से उनके कोई रिटर्न की डेट नहीं थी, और सर पर था वर्ल्ड कप, जिसका प्रेशर बिना बोले हर कोई फील करने लगा था। लंबे वक्त तक एक बॉलर को बॉल करने के बाद अब मैच सिचुएशन के लिए खुद को तैयार करने के लिए वो मल्टीपल बल्लेबाजों को बॉल करने लगे। जसप्रीत के हाथ से निकली बॉल या फिर एक्सरसाइज हो, एवरीथिंग वाज प्लान्ड। कोई कोई चीजें आपके हाथ में नहीं होती है, क्योंकि बॉडी को जितना टाइम चाहिए होता है रिकवरी के लिए, तो वो आपको रिस्पेक्ट देना होता है। और 11 महीने एक्शन से दूर रहने के बाद बुमराह फिट तो डिक्लेयर कर दिए गए, पर सबको अभी भी डाउट था कि क्या वो पुराना बुमराह देखने को मिलेगा। पहला T20 इंटरनेशनल मुकाबला, इस बेहतरीन बॉल से बुमराह ने आयरलैंड के बल्लेबाज को दूसरी बॉल पर चलता कर दिया, और वापसी करते हुए पहले ओवर में 2 विकेट लेके बुमराह ने अपने आने का ऐलान भी कर दिया।
अपनी कैप्टेंसी में आयरलैंड के खिलाफ इंडिया को T20 सीरीज जिता दी, पर ये तो उनके लिए सिर्फ एक प्रैक्टिस मैच की तरह था, क्योंकि उनकी असली परीक्षा का मंच तो कहीं और ही सज रहा था। The special moments of your life. I waited for 22 years, so surely the proudest day of my life. Truly proud to be able to win in your own backyard in front of your family. India ki sarzameen par ho rahe World Cup ne Bharat team ko automatically favorites mein dal diya tha. Attacking batting lineup aur bemisal bowling se India team puri tarah se majboot thi. Aur Bumrah fir se Indian bowling unit ko lead karne lage. Bumrah ki bowling se batsman clueless dikhne lage. Apne tarkash ke teeron ko istemal kar wo opening jodi todne lage. धार बॉलिंग से बैट्समैन पर प्रेशर बनाने लगे। बुमराह ने पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया को ढेर करके दिखा दिया कि वो क्यों इंडिया के एक्स फैक्टर हैं। और उनकी मदद से इंडिया मैच पर मैच जीते जाने लगी। बैस बॉल को पूरी तरह से धाराशाही करना हो, पाकिस्तान को डेडली योकर से बैकफुट में ढकेलना हो या बांग्लादेश बल्लेबाजों की कमर तोड़नी हो, बुमराह ने वर्ल्ड कप में आग लगा दी थी। और इंडिया सिर्फ एक कदम दूर थी वर्ल्ड कप के सूखे को खत्म करने से। Nothing more satisfying than hearing a big crowd go silent. ऑस्ट्रेलिया ने मैच से पहले ही माइंड गेम शुरू कर दिए थे। वो जानती थी कि माइंड गेम से ही इंडिया टीम को तोड़ा जा सकता था और उसने किया भी वही। Australia have won the toss and they've decided to bowl first. वो एक एक करके इंडियन बल्लेबाजों को टैक्टिक्स और प्लानिंग से आउट करते गई। Australia on fire here. This is a massive blow. ऑस्ट्रेलिया ने मैच में पकड़ बनाई हुई थी, जिसकी वजह से इंडिया 240 पे ही ऑल आउट हो जाती है। इंडियन फैंस भले ही अपने प्लेयर्स की बल्लेबाजी देख के निराश थे, पर उनको अपने बॉलर्स पर अभी भी भरोसा था। और शमी और बुमराह के स्पेल ने ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों पर प्रेशर बना दिया। बुमराह ने मिचेल मार्श और स्टीव स्मिथ का विकेट लेके इंडियन फैंस में जोश भर दिया था। फिर ट्रेविस हेड कुछ अलग ही अंदाज में खेलने लगे, जिनको बुमराह के अलावा कोई रोक भी नहीं पा रहा था। और सारी कोशिशों के बाद भी इंडिया फाइनल हार जाती है। बैट कमिश्नर से स्टेडियम को नहीं पूरे इंडिया को चुप करा दिया था। और बुमराह के कमबैक को भी एक हार ने व्यर्थ कर दिया। हम सब दुखी थे, पर हमसे ज्यादा हमारे इंडियन प्लेयर्स और स्टाफ दुखी था, जिन्होंने इस वर्ल्ड कप में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। ये वर्ल्ड कप भारतीयों के दिलों में एक गहरा घाव छोड़ गया। 19 नवंबर का दिन कोई भुला नहीं पा रहा था और पाकिस्तान भी अब इंडिया को ट्रोल करने लगा। उनके लिए एक ही पैगाम है, आज तो पड़ोसियों के दिल के अरमान भी आंसुओं में बह गए हैं। इन जख्मों को अब बस वर्ल्ड कप ही भर सकता था और सबकी नजरें अब आने वाले T20 वर्ल्ड कप पर टिकी थी। India versus Pakistan, which is the biggest tournament in the world. I couldn't ask for more. It's India versus Pakistan. Always motivation, Pakistan-India match. We've played a few games here. पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला लिया। भारत ने शुरुआत अच्छी की, पर बारिश ने मैच पलट दिया। पहले विराट और फिर रोहित दोनों आउट हो गए। ओपनर्स के इतनी जल्दी आउट होने से भारतीय शांत हो गए। फिर अक्षर और ऋषभ ने आके पारी तो संभाली, पर अक्षर भी आउट हो गए, जिसके बाद सूर्या, शिवम दुबे, हार्दिक और जडेजा सब ताश के पत्तों की तरह बिखर गए और इंडिया 119 पर ही ऑल आउट हो गई। रिस्ट्रिक्टेड इंडिया टू 119 द लोएस्ट टोटल। इंडिया की बैटिंग जो स्ट्रॉन्ग कही जाती है, पाकिस्तान के बॉलर्स ने द्रविड़ के उस दीवार को 19 ओवर में ही गिरा दिया, जिससे पाकिस्तान में खुशी का मंजर फैल गया। चलो बेटा, बच्चे हो, बच्चे हो, बच्चे हो। सब जुट गए नसीम शाह और फरीदी को बुमराह से बेहतर बताने में। सारे पाकिस्तानी बाबर आजम के नाम का पाठ पढ़ने लगे, क्योंकि 120 रन का स्कोर इजीली चेजेबल था। 8% इंडिया के चांसेस, 92% पाकिस्तान के। और पाकिस्तान ने शुरुआत भी अच्छी की, 4 ओवर में 26 रन बना डाले। फिर शुरू किया बुमराह ने अपना गेम और बाबर आजम को चारों खाने चित्त कर दिया। पर फिर भी पाकिस्तान 10 ओवर में 57 रन बना के स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था और अब सिर्फ 63 रन चाहिए थे 60 गेंदों में। मैच पूरा पाकिस्तान के फेवर में था और हर कोई इंडिया को हारता हुआ देखना चाहता था। फिर
अक्सर और हार्दिक ने दो बल्लेबाजों को आउट तो किया, पर मोहम्मद रिजवान 31 रन बना के अभी भी डटे हुए थे और अब पाकिस्तान को बस 40 रन बनाने थे 36 गेंदों में, जिसके बाद बुमराह को बॉलिंग की कमान सौंपी गई और पहली बॉल पे उन्हें रिजवान को चलता कर दिया। फिर बल्लेबाजों पर ऐसा प्रेशर बनाया कि एक एक करके बल्लेबाज धाराशाही होने लगे और इंडिया ने पाकिस्तान को तितर बितर करके उनके मुंह से जीत छीन ली। 4 ओवर में 13 रन देके 3 विकेट, ऐसा स्पेल जो सालों साल याद किया जाएगा, क्योंकि यही स्पेल बना पाकिस्तान की हार की वजह। बुमराह द मैच चेंजर वंस इन अ जनरेशन। अब ये बात सिर्फ मैं नहीं, हर इंसान बोल रहा था। प्लेयर ऑफ द मैच बन के बुमराह ने सालों की चुप्पी तोड़ के उन ट्रोलर्स और क्रिटिक्स के मुंह पर करारा जवाब दिया। पर उनकी असली विजय तब होगी जब वो इस दाग को भी मिटा देंगे और ये मौका भी आ गया। ये मैच दोनों टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ अफ्रीका, जिनको लोग चोकर्स ऑफ ऑल टाइम कह रहे थे, तो इंडिया को चोकर्स ऑफ दिस जनरेशन बुलाया जा रहा था और अब ये सिर्फ मैच नहीं जज्बात बन गया था। दोनों देश अपनी टीमों से उम्मीदें लगाए बैठे थे। भारत में लोग पूजा पाठ करने लगे, प्लेयर्स की नजर उतारने लगे और वो हर चीज करने को तैयार हो गए जिससे भारत वर्ल्ड कप जीत जाए और इस बार किसी भारतीय का दिल ना टूटे। विराट कोहली, अक्षर पटेल और शिवम दुबे के बल्ले से निकले रनों की मदद से भारत 176 रन बना लेता है और साउथ अफ्रीका को मिलता है 177 रन का लक्ष्य। अब 11 साल के वनवास से हम सिर्फ 20 ओवर दूर थे और बुमराह आते ही हेंड्रिक्स की गिल्लियां बिखेर देते हैं तो दूसरी तरफ अर्शदीप आके मार्करम को चलता कर देते हैं और साउथ अफ्रीका 12 रन पर ही 2 विकेट खो देता है। पर जैसे ही ये स्पेल खत्म होता है तो साउथ अफ्रीका के बैट्समैन हवाई फायरिंग शुरू कर देते हैं। स्टब्स, डी कॉक और फिर हेनरी क्लासेन ऐसी बल्लेबाजी करते हैं कि वो मैच पलट के साउथ अफ्रीका की जोली में रख देते हैं। गेंद घूम गई है पूरी तरह से। 30 बॉल में 30 रन, मैच हमारी गिरफ्त से पूरी तरह बाहर था। सब कह रहे थे बुमराह कोई भगवान नहीं है जो अब इंडिया को बचा पाएंगे, पर इस टीम ने हार नहीं मानी। क्लासेन जहां खड़े खड़े छक्के लगा रहे थे और एक ओवर में 24 रन बना रहे थे, बुमराह ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से सिर्फ 4 रन दिए और पूरा प्रेशर साउथ अफ्रीका पर डाल दिया, जिसको रिलीज करने के लिए क्लासेन अगले ओवर में हार्दिक को टारगेट करने जाते हैं, पर क्लासेन उल्टा मुंह की खा के आउट हो जाते हैं। बुमराह जानते थे कि अगर साउथ अफ्रीका पर अब और प्रेशर बनाया गया तो अफ्रीका लड़खड़ा जाएगी। अफ्रीका को सिर्फ 22 रन चाहिए थे 18 गेंद में और बुमराह अपने तरकश से तीर निकाल के पहले मिलर को छकाते हैं, फिर मार्को यानसेन को बोल्ड कर देते हैं और मैच के इस मोमेंट में 2 रन देके साउथ अफ्रीका पर प्रेशर दोगुना कर देते हैं। फिर वो हुआ जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, हार्दिक की पहली बॉल। सूर्या के इस कैच ने भारत के 11 साल के इंतजार को खत्म कर दिया और बोरीवली के लड़के ने बारबाडोस में तिरंगा लहरा दिया। सब रोने लगे, पर ये हार के नहीं खुशी के आंसू थे, क्योंकि भारतीय टीम के साथ साथ हर भारतीय फैन वो 11 साल का वनवास काट के आया था और सालों से इसी पल को जीने की आस लगाए बैठा था। रोहित शर्मा को वर्ल्ड कप विनर कैप्टन का ताज मिल गया, विराट कोहली वर्ल्ड कप विनर बन गए और द्रविड़ का दशकों का सपना पूरा हो गया। पर इसके लिए कोई सूर्या के इस कैच को थैंक यू बोल रहा तो कोई हार्दिक को विनिंग ओवर डालने के लिए थैंक यू बोल रहा, पर असलियत में इन तालियों का बड़ा हकदार एक और व्यक्ति है जिसने अगेंस्ट ऑल आउट जाके मैच पलट दिया और 125 करोड़ लोगों के दिलों को टूटने से बचाया। वो गेंदबाजी के किंग, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जसप्रीत बुमराह है। आई एम ओनली बिलीव ऑन जेसी भाई बिकॉज़ गेम चेंजर प्लेयर ही इज ओनली वन गाय इज जसप्रीत बुमराह। इस प्लेयर ने सब झेला, अपने करियर के डाउनफॉल में इन्हें जमकर गालियां मिली, इंजरी का मजाक उड़ाया गया, फैमिली इमरजेंसी में ब्रेक लेने में इन्हें सेल्फिश बता दिया गया। एक साल तक लोगों की गालियां, ट्रोलिंग और बेहिसाब नफरत में भी बुमराह चुप रहे, अपने आप पर काम करते रहे। हमें पता है आप बोलते नहीं क्योंकि आपके गेंदे ही सारे सवालों का जवाब दे देती है। सही में जस्सी जैसा कोई नहीं, इसलिए सब लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके लिखे थैंक यू जसप्रीत बुमराह, क्योंकि आप हो भारत की मुस्कुराहट की वजह और पूरा देश हमेशा आपका शुक्रगुजार रहेगा।